जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, ये तो देश भर से खबरें आती ही रहती हैं कि क्रांतिकारियों से जुड़े जो जगह थी या उनसे उनके अलग अलग घटनाओं से संबंधित जो जगह थी उनकी दुर्दशा है। क्रांतिकारियों की मूर्तियां उपेक्षित हैं या बहुत जगह लगाई ही नहीं गई हैं या उनके परिवार उपेक्षित हैं। लेकिन इन नकारात्मक खबरों के बीच कुछ अच्छी खबरें भी आती हैं। जैसे एक खबर ये आई है आगरा से, जिसे आप सबको बताना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। इससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और यह भी दिखेगा कि अगर आम आदमी चाहे थोड़े से जागरूक हो और उनमें देशभक्ति हो तो बदलाव किया जा सकता है, परिस्थिति को बदला जा सकता है। आप सभी जानते होंगे कि आगरा में एचएसआरए का दफ्तर बनाया गया था। जब एचएसआरए का गठन हुआ दिल्ली में, तो उसके बाद आगरा में हुआ कि हम लोग दफ्तर बनाएंगे। आगरा में सबसे पहले जो दफ्तर लिया गया, या कहिए कि दफ्तर के लिए मकान किराए पर लिया गया, वो नूरी गेट वहां है। नूरी गेट के पास वो मकान लिया गया था। नवंबर 1928 में नूरी गेट के पास जो मकान एक है, अब भी वो मकान है, हालांकि बहुत ही बदहाल स्थिति में है। आप ये तस्वीर देखिए, आपको मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ जो नूरी गेट के पास जो मकान क्रांतिकारियों ने, एचएसआरए ने अपने दफ्तर के लिए सबसे पहले लिया था। मकान का एग्रीमेंट जो हुआ था वो शिव वर्मा के नाम पर हुआ था। तो कह लीजिए कि शिव वर्मा ने ये मकान लिया था, पहली मंजिल, और 5 रुपये प्रति माह किराया इसका तय किया गया था। नवंबर 1928 में यह मकान लिया क्रांतिकारियों ने, और 1 जनवरी 1929 को, मतलब नए साल के पहले ही दिन 1929 में ये मकान छोड़ दिया गया। बाद में दो और जगहों पर मकान लिया गया, अभी उनका जिक्र नहीं हम लोग करेंगे। इस मकान के पास आगरा के कुछ देशभक्त और जागरूक नागरिकों ने पहल की और भगत सिंह की एक मूर्ति स्थापित की। यह पत्थर की मूर्ति है, आप देखिए जो अभी तक ये मूर्ति वहां स्थापित हुई है। इसके बाद इन लोगों की कोशिश थी कि वहां पर और अधिक बढ़िया भगत सिंह की मूर्ति स्थापित हो, क्योंकि जो जागरूक नागरिक हैं वो जानते हैं कि आगरा लंबे समय तक एचएसआरए का दफ्तर रहा है और यहाँ का गौरवशाली इतिहास है, क्रांतिकारियों से ये जुड़ा हुआ। तो इसे और अधिक खूबसूरत बनाने के लिए, इस गौरव को बरकरार रखने के लिए पहले इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। फिर उन्हें लगा कि मूर्ति को और बड़ा रूप दिया जाए और अधिक खूबसूरत मूर्ति बिठाई जाए, तो अब वहाँ पर इस मूर्ति की जगह पर बड़ी मूर्ति स्थापित की जा रही है। इसके लिए आगरा नगर निगम ने 5 लाख से अधिक रुपए भी स्वीकृत किए हैं। वो लेटर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें जो आगरा नगर निगम ने लिखा है ठेकेदार को, आप देखिए इस लेटर को। इस पत्र में ये अंकित है, आप देखेंगे ऊपर आगरा नगर निगम आगरा लिखा हुआ है, पत्रांक वगैरह है, ठेकेदार का नाम है, कार्य का नाम जोन 1 वार्ड संख्या 68 नूरी दरवाजा शहीद भगत सिंह की प्रतिमा एवं भवन का सौंदर्यीकरण का कार्य। नगर निगम के अधिशासी अभियंता ने ये पत्र लिखा है, जो उनका नीचे हस्ताक्षर है, और इसमें वो बता रहे हैं ठेकेदार को कि इस काम के लिए 5,56,827 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 5,56,827 रुपये सितंबर में ये राशि स्वीकृत की गई थी। ये पत्र हमारे पास उसी समय आ गया था और ये योजना थी कि अक्टूबर तक इसे काम को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अभी आप तस्वीर देखिए, ये अब आगरा से तस्वीर आई है जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि अब वहाँ काम लगाया गया है, वहाँ पर नई मूर्ति की तैयारी हो चुकी है। साथ में इस पत्र के अनुसार उस भवन का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अभी भवन में काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मूर्ति की स्थापना बहुत जल्द हो जाएगी। ये सूचना हम तक पहुंचाई है द फ्रीडम के एक शुभचिंतक हैं, हमारे नियमित दाता भी हैं, विनोद सहनी। विनोद सहनी वहाँ पर सहनी एंड ब्रदर्स नाम से पब्लिकेशन कंपनी चलाते हैं, साथ ही समाज सेवा में भी आगे रहते हैं। उनकी अपनी एक टीम है और
इस काम में उन्हें मदद मिली है। आगरा के ही भाजपा के MLC हैं विजय शिवहरे, उन्हीं के प्रयास से नगर निगम आगे बढ़ा और इस काम को शुरू करवा पाया। तो सहनी जी को, उनकी टीम को और MLC विजय को, साथ ही आगरा नगर निगम को धन्यवाद कि वहाँ पर फिर से भगत सिंह की स्मृतियों को संयोजा जा रहा है, भगत सिंह की स्मृतियों को और बड़ा किया जा रहा है, दर्शनीय बनाया जा रहा है और उस जर्जर भवन को ही बचाने की कोशिश की जा रही है। इमारत की ये तस्वीरें हमारे साथ ही राहुल इनकलाब ने उपलब्ध कराई हैं, उन्हें भी धन्यवाद। और आप सबसे आग्रह है कि आपके यहाँ जो क्रांतिकारियों से, स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी जगहें हैं, उन्हें संरक्षित कीजिए, अपने जनप्रतिनिधियों से पूछिए। यहाँ ये आगरा उदाहरण बन गया है कि जागरूक नागरिक हों, जनप्रतिनिधि का साथ हो, प्रशासन भी चाह ले तो परिवर्तन किया जा सकता है, क्रांतिकारियों से जुड़ी जगहों को, उन इमारतों को संरक्षित किया जा सकता है। या फिर द फ्रीडम पर हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं, आपके यहाँ शहीदों से संबंधित, क्रांतिकारियों से संबंधित, स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित उपेक्षित जगह है, कोई इमारत है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे हाईलाइट करें। कम से कम यह तो किया ही जा सकता है कि द फ्रीडम के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके, इस जगह का या इस इमारत का संरक्षण किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए या यहाँ पर कुछ ऐसी पहल हो जिससे क्रांतिकारियों को याद रखा जा सके, शहीदों को याद रखा जा सके। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।